ओम शांति। ये तो सभी जानते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, गॉड, कुछ भी कह लो, वो एक परम शक्ति है। लेकिन हम उसको एक दिव्य शक्ति के रूप में देखें, एक लाइट के रूप में देखें, तभी हम जान पाएंगे कि वो यूनिवर्स की का कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स की बुद्धि है। जैसे कि ये शरीर में आत्मा की बुद्धि होती ना, उसी तरीके से परमात्मा लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हम ये सब सुनते हैं, लेकिन गहराई को समझें। परमात्मा माने वो फोकस है, वो प्रकाश है, वो समझ है, जो आत्मा को स्पष्ट किसी भी बात को क्लियर करते हैं, स्पष्ट दिखाते हैं, सत्यता को दिखाते हैं कि सत्य क्या है इसके पीछे। तो परमात्मा शांति के सागर हैं। तो जो साइलेंस की हमारी स्टेज है, जो शांति की स्थिति है, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं और इस तरीके से इसको हम फील कर सकते हैं, ऐसा जैसा मैंने फील किया वैसा मैं बताना चाहती हूँ कि शरीर डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। इमेजिन करें कि आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, सिर के पास एक लाइट है, प्रकाश है, और वो स्थिति में अपने को फील करें कि मैं वो वही लाइट हूँ, सिर के पास, और मेरी बॉडी पड़ी हुई है। तो मैं लाइट स्वरूप में इस सत्य को देख रही हूँ कि ये बॉडी धीरे 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 खराब हो रही है, गल रही है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, थॉट तो ख़त्म ही हो गए, मन वगैरह कुछ उसमें है ही नहीं। इस सत्य को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इस सत्य को दिखाने वाला कौन? तो ये सत्य मैं तभी देख पाई जब परमात्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और मुझे स्वयं की पहचान प्राप्त हुई कि मैं आत्मा हूँ। तब अनुभव किया इस बात को, जब शरीर से डिटैच अपने को अनुभव किया और परमात्मा के साथ इस सारी प्रक्रिया उसको देख रही हूँ, ऐसा अनुभव जब किया तब ये अनुभव, ये समझ आई अंदर, ये क्लियर हुआ कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, सिर्फ ये लाइट, ये प्रकाश, ये आत्मा माने ये समझ, ये परिवर्तनशील नहीं है। एक बार यदि अनुभव कोई बात का हो गया तो वो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होता। परमात्मा तो सदा आत्मा के साथ ही हैं, इसको कैसे अनुभव करें? कहते ना कि परमात्मा तो हर आत्मा के साथ है या सर्वव्यापी, ऐसा भी कुछ कह दिया, लेकिन पहले आत्मा और परमात्मा को अलग अलग समझना ज़रूरी है। अगर हम साथ हैं बोल देंगे तो फिर हम कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा का रोल अलग है और परमात्मा का रोल अलग है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो तो सब पूरी धरती पे फैल रहा है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को हर रोज़ वही अनुभव करेगा, वही देख पाएगा, वही उसको सूर्य की उपस्थिति को अनुभव कर पाएगा जो खुले में होगा। माने कि बंद कमरे में खिड़की दरवाजे सब बंद करके यदि कोई सो रहा है, हद में कहीं बंधा हुआ है और सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और वो सो रहा है, तो क्या उसको वो प्रकाश, वो उसको मालूम पड़ेगा कि सूर्य निकल आया? तो ये कहेगा अरे हमें पता ही नहीं पड़ा कि दिन हो गया, है ना। इसी प्रकार अगर आत्मा जागृत होगी तभी वो परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कर पाएगी। अगर आत्मा सोई पड़ी माने नशे में है, वो अपने आप को शरीर ही समझ रही है और वो अपने आप को नहीं पहचानती कि मैं कौन हूँ,
और ना ही उसको परमात्मा की पहचान है, तो फिर क्या होगा? वो फिर वैसा ही हाल होगा जैसे कि वो बंद कमरे में सो रहा है वो व्यक्ति, ऐसे ही आत्मा इस शरीर के अंदर सो रही है, लेकिन उसको ये स्मृति नहीं है कि बाहर वो सूर्य का प्रकाश माने समझ, वो ज्ञान मेरी ओर प्रकाश डाल रहा है, मेरे को प्रकाशित करने के लिए वो है, मुझे समझ देने के लिए है। ये मैं नहीं जान पाऊंगी ना अगर मैं आत्मा सोई पड़ी हूँ, माने कि जागृत नहीं हूँ, माने कि मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, तो फिर नशे में हूँ, है ना। और नशे में इमेजिन करो आप कि कोई इंसान नशे में कमरे के अंदर बंद दरवाज़ा खिड़की करके सो रहा है, तो उसको पता पड़ेगा कि बाहर सूर्य है और दिन हो गया है? नहीं ना। इसी तरीके से आत्मा भौतिकवाद में डूबी हुई है, भौतिकता के ये माया जाल में, दुनिया के हर उसमें इतनी उलझी हुई है कि उसको स्मृति आत्मा की तो है ही नहीं, और वो अपने आप को देह समझ के देह से जुड़ी हुई हर चीज़ में वो सुख खोजने की कोशिश कर रहा है, शरीर के भोग में लगा हुआ है, शरीर को भोजन कितना मिल जाए, कितना कुछ खिला दें, स्वाद में लगा हुआ है, शरीर को कितना अच्छा कपड़ा पहना दें, शरीर के संबंधों रिश्तेदारों को कितना बढ़ा लें हम, कितना लोगों के बीच में भीड़ अपनी इकट्ठी कर लें, अपने संगी साथियों को से मिल लें जुल लें, कुल मिला के शरीर में ही वो लगा हुआ है, लेकिन उसको ये स्मृति नहीं है कि वो आत्मा है, और उस आत्मा में वो बहुत सूक्ष्म बातें जिसको वो जानता ही नहीं है, लेकिन हकीकत में उस आत्मा को वही ज़रूरत है, उस मनुष्य को भी वही ज़रूरत है। किस चीज़ की? शांति की, सुख की, प्रेम की, आनंद की, लेकिन वो इस देह के भान में रह के, देह से जुड़ी हुई हर चीज़ में उलझने के कारण वो अनुभव नहीं कर पा रहा है, ना शांति को, ना प्रेम को, सच्चे प्रेम को नहीं अनुभव कर पा रहा है। यही कारण है कि वो इस संसार में भिखारी बन के रह जाता है कि मुझे कहीं शांति मिल जाए, कहीं प्रेम मिल जाए। तो स्वयं की पहचान जब होती है तो परमात्मा को भी हम जान पाते हैं, और परमात्मा के अनुभव को हम इस तरीके से समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा मुझ आत्मा की बुद्धि को प्रकाशित करता है, विवेकशील बनाता है, समझदार बनाता है। तो परमात्मा वो प्रकाश है, कोई व्यक्ति नहीं है। यह समझ पाना कि परमात्मा माने वो प्रकाश, वो समझ, वो ज्ञान जो मेरे को सत्यता से परिचित कराता है, वही परमात्मा है। ओम शांति।